हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू न्यूट्रिशन क्लासेस। आज यहाँ इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक के सभी सॉल्यूशंस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर प्रोवाइड कर चुकी हूँ। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देख लें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर द फॉलोइंग ए पीस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो 4 सीरीज दी हुई हैं यानी जो 4 ए पीस दिए हुए हैं उनमें हमें क्या बताना है, फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमें ए और डी यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, हमें वहाँ पे सीरीज बनाना था। जबकि इस क्वेश्चन में सीरीज ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को बताना है। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इफ़ द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी, देन सीरीज क्या बन जाती है हमारे पास में, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड ए प्लस थ्री डी। ओके, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ए पी को। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी इस फॉर्म में ये सीरीज दी हुई हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला नंबर है वही क्या है हमारे पास में, ए की वैल्यू है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 3 1 -1 एंड -3 सो ऑन, इस तरह से ये सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, द गिवन ए पी इज क्या गिवन है, 3, आपको इस तरीके से लिखना होगा -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, ये क्या है हमें गिवन है। तो जो सबसे पहले लिखा हुआ है क्लियरली वही क्या होती है, ए की वैल्यू होती है हमारे पास में, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है हमारे पास में, 3 है। यहाँ पे आप ए के आगे क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म। ओके, अब यदि हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, डी इक्वल्स टू होता है हमारे पास में ए टू माइनस ए वन। तो ये क्या है हमारे पास में, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, इस तरह से जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया। तो ए टू की प्लेस पर हम क्या रख देंगे, 1 माइनस ए वन कितना है हमारे पास में, यानी जो सबसे पहला नंबर है सीरीज का, तो वो क्या है, 3। तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, माइनस का 2। तो यही क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। आप कॉमन डिफरेंस किसी भी टर्म्स को माइनस करके निकाल सकते हैं, बस क्या करना होगा, जो भी आप टर्म लेते हैं उसके जस्ट प्रीवियस वाली टर्म जो है उसे आपको उससे माइनस करना होगा, ये आप ध्यान रखें। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन होता है, सभी जगह सेम आता है। यदि आप 1 में से 3 माइनस करेंगे तो भी -2 आएगा, -1 में से यदि आप माइनस करते 1 को तो भी कितना मिल जाता, -2 मिल जाता। यही एक ए पी की पहचान होती है कि यदि सभी जगह जो डिफरेंस है वो कॉमन मिल रहा है तभी वो सीरीज क्या है, एक ए पी में है, अदरवाइज वो सीरीज क्या होगी, ए पी होगी ही नहीं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, द गिवन ए पी इज -5 -1 3 एंड 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्लियरली एक वस्तु कितना मिल रहा है हमें, -5। एंड यदि हम डी की बात करते हैं, सो डी एक वस्तु हमें कितना मिल जाएगा, हम क्या करेंगे, ए टू में से ए वन को माइनस कर देंगे, यानी कि -1 में से माइनस कर देंगे किसके, -5 को। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा, -1 माइनस माइनस हो जाएगा +5, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 5 में से 1 माइनस होने पे हमें मिल जाएगा +4, यानी बड़े डिजिट का साइन। तो यहाँ पे हमें एक वस्तु मिल गया है -5, यानी फर्स्ट टर्म कितनी मिल गई है, -5, एंड कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया है, 4 मिल गया है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, ए पी इज 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, सो ऑन। तो यहाँ से भी हमें एक वस्तु कितना मिल जाएगा, जो सबसे पहले लिखा हुआ है, जो फर्स्ट टर्म है वही क्या है, स्मॉल ए की वैल्यू है। तो फर्स्ट टर्म हमें कितना मिल गया है, 1/3। एंड जब हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो वो कैसे निकालेंगे, ए टू में से वन को यानी ए को माइनस करके। तो यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे तो एलसीएम कितना मिल जाएगा, 3। 5 -1 यानी कितना आ गया यहाँ से, 4/3, ये मिल गया हमें कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट टर्म एक वस्तु कितना हो गया, 1/3, एंड कॉमन डिफरेंस डी एक वस्तु कितना मिल गया, 4/3। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 4th नंबर पे क्या दिया हुआ है, द गिवन ए पी इज 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9। इसी तरह से ये सीरीज आगे चल रही है। तो यहाँ से भी हमें जो सबसे पहले नंबर पे लिखा होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, सो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना मिल गया हमें, सबसे पहले क्या लिखा है, 0.6। तो ये हो गई हमारे पास में ए की वैल्यू। अब हम देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है,
सेकंड वाला जो नंबर है यानी कि 1.7 उसमें से सबसे पहले वाले टर्म को यानी कि उसके जस्ट पहले जो है उसको माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ से, 7 से 6 जाएगा तो 1 एंड 1 में से जाएगा तो 1 यानी कि 1.1। आप देख सकते हैं यदि आप क्या करते 2.8 में से यदि माइनस करते 1.7 को तो भी आपको कॉमन डिफरेंस वही मिलता। आप कहीं से भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ से क्या हो जाता 8 में से 7 जाने पर 1 और 2 में से 1 जाता तो 1 आ जाता। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को हमें फाइंड आउट करना था। यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और यदि वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छी तरीके समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।